नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग आज फणीश्वरनाथ रेणु के जन्म दिवस पर उनकी कुछ कृतियों को समझने, देखने और जानने का प्रयास करें। और हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण उनका उपन्यास है, वह है मैला आंचल, जिसको माना जाता है कि आंचलिक उपन्यास में उसका स्थान प्रथम है। उसके अलावा भी उन्होंने और सारे उपन्यास लिखे, जो जो परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड आदि। उसके अलावा उन्होंने एक कथा संग्रह का भी रचना की, और वो कथा संग्रह एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी। साथ साथ उन्होंने रिपोर्ताज की भी रचना की, और उनके रिपोर्ताज में मशहूर है ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, बन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे, प्रसिद्ध कहानियाँ मारे गए गुलफाम, जो तीसरी कसम फिल्म उस पर बनी है, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस आदि प्रमुख है। और उनकी मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम जो पिक्चर बनी, उनकी उनमें मुख्य भूमिका राज कपूर और वहीद रहमान की रही है। और अब तीसरी कसम पिक्चर अगर देखे होंगे तो सचमुच में आप अनुमान लगा लिए होंगे कि ये महान कृति कितना महत्वपूर्ण है। और उस फिल्म के निर्माता और गीतकार शैलेंद्र थे। एक्चुअली शैलेंद्र तो गीतकार थे, लेकिन निर्माता उस पिक्चर के वहीं थे, और साथ साथ निदेशक वासु भट्टाचार्य थे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपको, और तीसरी कसम एक बार देखने का प्रयास करें। सचमुच में ये साहित्यिक रचना पर आधारित फिल्म है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, और इस महान व्यक्तित्व को कोटिशः नमन।